हेलो फ्रेंड्स, मिनी किचन में एक और रेसिपी के साथ आपका स्वागत है। आज हम झारखंड की फेमस रेसिपी बनाने जा रहे हैं, गुलगुला। ये गुड़ और आटे से बनने वाली रेसिपी है, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। गुलगुला बनाने के लिए मैंने 150 ग्राम गुड़ लिया है। गुड़ में 1/2 कप पानी डालेंगे और इसे अच्छी तरह से चम्मच की मदद से मेल्ट कर लेंगे। चम्मच से दिक्कत होने लगे तो हाथ से भी गुड़ को अच्छी तरह से मैश करके मेल्ट कर सकते हैं। 1 से 2 मिनट में ही गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगी। देखिए, गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है। आप गुड़ की जगह चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे भी गुलगुला बहुत ही टेस्टी बनता है। अब हम इसे छान लेंगे, इसमें जितनी भी गंदगी होगी वो अलग हो जाएगी। गुड़ में जो भी गंदगी थी वो छन्नी में अलग हो चुकी है और हमारा गुड़ एकदम साफ हो गया है। अब गुड़ में 300 ग्राम गेहूं का आटा मिक्स करेंगे और 1 चम्मच सौंफ डालेंगे, इससे गुलगुला का स्वाद और भी अच्छा आएगा। अब गुड़ और आटे को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। गुड़ और आटा अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब इसमें थोड़ी थोड़ी दूध ऐड करके इसका घोल तैयार करेंगे। दूध से गुलगुला एकदम सॉफ्ट और टेस्टी बनेगा। आप चाहें तो दूध की जगह पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी गाढ़ी घोल बनकर तैयार है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए ढककर रेस्ट करने देंगे। 10 मिनट के बाद बैटर तैयार है गुलगुला बनाने के लिए। इससे पहले 1 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर डालकर घोल को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसे डालने से गुलगुला हमारी एकदम फुली फुली बनेगी। देखिए, घोल का थिकनेस बिल्कुल इस तरह से होनी चाहिए, तभी हमारे गुलगुले अच्छे बनेंगे। अब हाई टू मीडियम फ्लेम पे तेल गरम करेंगे और पहले हाथ को गीला कर लेंगे, इससे हाथ में घोल चिपकेंगे नहीं। अब एक एक करके घोल इसमें थोड़ी थोड़ी डालते जाएंगे। गुलगुले का साइज आप अपने हिसाब से छोटी या बड़ी कर सकते हैं। पैन में जितनी जगह हो उस हिसाब से बैटर को डालते जाएं। इस तरह से इन्हें डालने के बाद फ्लेम हम लो टू मीडियम कर देंगे और 2 से 3 मिनट के लिए इसे फ्राई होने देंगे और बीच बीच में इसे हिलाते डुलाते हुए पलटते रहेंगे। इस गुड़ और आटे से बनने वाली गुलगुले को झारखंड के साथ बिहार, बंगाल, उड़ीसा में भी बहुत पसंद किए जाते हैं। यहाँ के लोग होली, दिवाली या किसी भी त्योहार में इसे बनाकर इंजॉय करते हैं। देखिए, ये जैसे जैसे पकते जाएंगे वैसे वैसे ये फूल कर गोल होते जाएंगे। दो से तीन मिनट हो चुके हैं, गुलगुले एकदम अच्छी तरह से अंदर से पक गए हैं और ऊपर से भी कलर चेंज हो गया है। अब हम इन्हें तेल से बाहर निकाल लेंगे। देखिए, फर्स्ट बैच का गुलगुला बनकर तैयार है। इसी प्रोसेस से हम सारा बैटर को तल लेंगे। आटे और गुड़ से बनने वाले गुलगुला बनकर तैयार है। एक गुलगुला मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ, अंदर से कितने फूले फूले बने हैं। लग रहे हैं ना सुपर यम्मी, और इसे बनाना भी एकदम इजी है। तो इस गुलगुला को आप भी बनाइए और पूरे परिवार के साथ खाइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलते हैं इसी तरह की यम्मी रेसिपी के साथ।